वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी। दोस्तों यहाँ पर आपके कुछ सवाल थे जो कि बहुत ज़्यादा संख्या में पूछे जा रहे थे या पूछे जा रहे हैं अभी भी। सवाल ये है कि 2020 का जो एग्ज़ाम सेंटर है या फिर जो एडमिट कार्ड है, आपकी परीक्षा 22 दिसंबर को होने वाली थी जो अभी नहीं, कोई नई डेट अभी फ़िलहाल नहीं आई है, ऐसे में क्या जो परीक्षा केंद्र है और जो एडमिट कार्ड है वो बदलेगा? तो आपको मैं बता दूँ, PNP ने पूरी तरीके से संकेत दिया है कि जो आपके एग्ज़ाम सेंटर हैं वो बिल्कुल से चेंज नहीं होंगे और जो एडमिट कार्ड है वो उसी पुराने एडमिट कार्ड पर आपकी जो परीक्षा है वो कराने की तैयारी की जा रही है। अगर कुछ भी चेंज होने की इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप लोगों को ज़रूर बताया जाएगा। सेंटर एग्ज़ाम सेंटर इसलिए नहीं चेंज होगा क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर आपका फिर से बनाने में, फिर से नए सेंटर को वहाँ पर जो है चूज़ करने में काफ़ी समय लग सकता है, और चूँकि जो PNP है वो आपका एग्ज़ाम 8 जनवरी को कराने को, जल्दी ही कराने को, या 8 जनवरी को कराने की बात जो है वो सामने निकल के आ रही है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, डेट अभी ऑफिशियल अनाउंस नहीं हुई है एग्ज़ाम की। आप लोग 8 जनवरी मान के चल सकते हो लेकिन कि हाँ आपकी परीक्षा इसमें होगी। ऐसे में कई बच्चों के द्वारा ये बताया गया कि जो लोग हैं वो जो एग्ज़ाम सेंटर है पहले से ही वहाँ पर जुगाड़ करने में अब लगे हुए हैं, चूँकि एग्ज़ाम सेंटर पता चल गया है, आपकी कॉपियाँ जो हैं, अगर कॉपियों की बात की जाए, आपके जो बुकलेट हैं वो आपके जो, अगर आप ज़िला की बात करते हो जहाँ पर भी नोडल जो एजेंसी है वहाँ पर पहुँच चुकी हैं। ऐसे में तो बच्चों के सवाल ये थे कि सर ऐसे में तो वहाँ पर लोग जो है वो जुगाड़ करते नज़र आ रहे हैं नकल के लिए, तो इस बात से ये बात मैं बस इसीलिए कह रहा हूँ कि वो बच्चे जो है ऐसे में बोल रहे थे, लेकिन इस बात से बिल्कुल से नकारा नहीं जा सकता क्योंकि कहीं ना कहीं ज़रूर ऐसे में प्रभावित हो सकती है परीक्षा, या जो लोग हैं जुगाड़ करने की बात वो सही भी हो सकती है, लेकिन ये कोई ऑफिशियल वो नहीं है क्योंकि बच्चों ने बोला। तो आप लोग अपनी परीक्षा पर पूरी तरीके से ध्यान दीजिए, अपनी तैयारी पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है, कि अब नकल होगा नहीं होगा, मतलब जुगाड़ करने में लगे हैं क्या है क्या नहीं है, ये सब कोई ऑफिशियल वो नहीं है, तथ्य नहीं है ऐसे में, ठीक है, ऑफिशियल फैक्ट्स नहीं है। तो आप लोग पूरी तरीके से परीक्षा पर ध्यान दें, एग्ज़ाम सेंटर और बाकी चीज़ें जो है अभी फ़िलहाल जो भी होगा, जैसा भी होगा, आप सभी को उससे अवगत कराया जाएगा। और अगर आपकी तैयारी अच्छी रही तो ऑब्वियसली पेपर भी आप बहुत अच्छी तरीके से पास करोगे, निकालोगे, तो पूरी तरीके से आपका ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए, ठीक है। बाकी कौन जुगाड़ करने में लगा है कौन नहीं लगा है वो सब आप फिलहाल बगल में रख दीजिए, अगर कुछ ऐसा होता है तो सारा कुछ जो है सामने आएगा, सब कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो सामने आएगी, ठीक है। चलिए, तो यही था इस वीडियो में जिसके बारे में आप सभी को अवगत कराना था, आप सभी को बताना था। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ में। हम आपसे मिलते हैं जल्दी ही एक और वीडियो में। बाकी आपका कोई अगर सवाल है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, उसका भी जवाब ज़रूर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।